सामान खरीद रहा चाइना वाले दीवले मांग रहे हैं, अभी इन्हें कहाँ डाल रहे हैं हम लेके, आधे एक कट्टा टूटा हुए लिख रहे हैं दो कट्टों में। कह रहे चाइना का सामान तो बैन कर दे सरकार कहती है। कुछ नहीं, बतेरा बिक्रिया, बड़े बाजार में जाकर देखो, उधर जाकर देखो, बतेरा बिक्रिया। वैसे महंगाई के जमाने में कम चल रहा है, और मजा भी है इसमें। झालर खरीद रहा है, मोमबत्तियाँ खरीद रहा है। अच्छा, इन्हें कौन खरीद रही है? ये कह रहा है 10 के 20 30 दो, 10 के 50 दो। ना झालर तो हावी हो ही गया, आप लोग ज्यादा कर ही रहेंगे। बताओ छोटे छोटे बच्चे, कोई भी सहारा नहीं है, विकलांग बच्चा हमारा, और बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है हमारे ऊपर। चाइनीज झालर जो सस्ती पड़ती है वो 20-30 रुपए की मिल जाती है, इसी वजह से दीवे कम जलाते हैं लोग। नमस्कार, आपका स्वागत है एमजे खबर में। मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और एक दो दिन बाद जो है दिवाली का माहौल है, और आज धनतेरस है, और क्या माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो विरोध होता है कि चाइनीज सामानों का विरोध करें, झालर ना जलाएं, और दिए जलाते रही हैं। तो हम पहुंचे हैं अम्मा के पास जो दिए बनाती हैं, बहुत पुरानी, कई सालों से दिए बना रही हैं। क्या इस दिवाली जो है दिए जो है वो बिक रहे हैं, क्या भाव हैं, कितना मार्केट है, लोग दीप जला के, कहा जाता है कि दीपों का त्यौहार दीपावली है, तो क्या इस दिवाली जो है दीप जल रहे हैं नहीं जल रहे हैं? अम्मा क्या लगता है कितनी बिक रही है दिवाली, जल रहे बिक रहे नहीं बिक रहे दीप? कहाँ बिक रहे हैं, बहुत मुद्दा है दिवाली का। 50 रुपए के 100 बिक रहे हैं, क्या है, कम से कम 80 को तो होती है, 80-90 को तो बिकते ही। अच्छा बिक रहा है वो भी ना, खरीदने वाले हैं लोग, वो भी ना रहा खरीदने वाले बैठे और ऊपर देखो कुछ महंगे लग रहे हैं हमारे जी। तो ऐसा तो नहीं है कि सब झालर लगा रहे इसलिए दिए भूल गए? क्या पता भैया क्या चक्कर है, तो महंगाई में कैसे चल रहा है काम? मुझे देखो महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। फिर बाजार में देखो जाकर हर काफी महंगाई है, एक इसी माल पे नहीं है। अच्छा इसी माल पे नहीं है। और भी अम्मा 1000 रुपए है तेल, 200 रुपए लीटर है, तो दिक्कत हो रही है? और बहुत दिक्कत है सभी के लिए है, ये तो कह रहे सभी के लिए है ये तो। अच्छा। सिलेंडर देखो 1000 का आ रहा है। तो दिए क्यों लोग भूलते जा रहे हैं, झालर की वजह से? झालर की नहीं, चाइना तो ऊपर टंगती है, कोई झालर जमाने में जब झालर नहीं था तो लोग हर लोग दिए जलाते थे। अब तो बहुत मद्दा है, कोई बिक्री ना है दियो की, 500 रुपए भी सुबह से ना बिके, सुबह से 1-8 बजे से बैठे हैं भैया हम, सुबह 8 बजे से बैठे हैं, 8 बजे से कोई बिक्री उक्री ना है। क्या दिया या सस्ते हैं? दिए महंगे हैं, 350 रुपए का 1000 मिले हैं। नहीं तो बेच कितने कर रही हैं आप? बेच तो हम 10 के 25 15 के 25 रहे बस, 15 के 25 या 10 के 25, तब भी लोग खरीद नहीं रहे, तो भी नहीं खरीद रहे। क्यों, झालर ज्यादा खरीद रहे हैं लोग? झालर खरीद रहा है, मोमबत्तियाँ खरीद रहा है। अच्छा, इन्हें कौन खरीद रही है? ये कह रहा है 10 के 20 30 दो, 10 के 50 दो, तो कहाँ से दें 10 के 50 जब हमें ना पड़े हैं। तो इतनी महंगाई में फिर कैसे काम चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है आदमी, बीमार पड़े हैं, फालिश के मारो, एक बेटा वो एक हमारे अखबारिया कर्जा करके खा रहा, दवाई दारू कर्जे से हो रही है, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई का दिक्कत है, महंगाई से नहीं दिक्कत? महंगाई से भतेरी दिक्कत है, महंगाई से क्यों ना, हर चीज पे तो महंगाई है। तेल वो 200 रुपए किलो है, पान है वो, गैस है वो 1000 रुपए का हो गया, कहाँ से करेगा गरीब इंसान। सरकार कह रही है बड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक नहीं चल रहा सरकार की उसमें। अच्छा, हर चीज पे महंगाई कर रखी है सरकार ने, दिक्कत है। त्यौहार के टाइम में तो बिक्री इसकी होनी चाहिए, इसकी बिक्री होनी चाहिए, और यही ना बिक रही है तो क्या बिक्री होगी, क्या बिक्री होगी? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से ये दिए हैं, और दियो की बात जो करते हैं कि लोग लेके बैठे हैं और कह रहे हैं सुबह से बैठे हैं, लेकिन इसकी बिक्री नहीं है, इससे अच्छा लोग जो है झालर खरीद रहे हैं, या फिर जो मोमबत्ती खरीद रहे हैं, ताकि चाइना का सामान खरीद रहे हैं, चाइना वाले दीवले मांग रहे हैं, अभी इन्हें कहाँ डाल रहे हैं हम लेके, आधे एक कट्टा टूटा हुआ लिख रहे हैं दो कट्टों में। कह रहे चाइना का सामान तो बैन कर दे सरकार कहती है। कुछ नहीं, बतेरा बिक्रिया, बड़े बाजार में जाकर देखो, उधर जाकर देखो, बतेरा बिक्रिया। लोग चाइना का सामान ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ज्यादा पसंद कर रहे हैं, 4 चकूटा वो, इन्हें कौन ले रही है, इन्हें कोई भी नहीं ले रही है, इनसे पूछ लो धोरे पड़ोसियों से, ऐसे बैठे मक्खी मार रहा है, ना कुत्ता हमारा तो आदमी भी बीमार है। अच्छा। और ना कॉलोनी ना का कुछ, और हमारे घर भी ऐसे ही है टूटे फूटे, कोई बोना कली से पुते हैं साहब, हम मोटे ताजी हैं। अच्छा। पांच साल एक बेटा खत्म हो गया, एक बेटा रह गया है, वो भी।
सोचिए जब गरीब आदमी है वो क्या करके खाए, इतनी महंगाई हो रही है। अच्छा महंगाई का है। हाँ और क्या क्या दिक्कत है? और बहुत परेशानी है, कारोबार से परेशान है। कारोबार नहीं चल रहा? ना कारोबार भी नहीं चल रहा। सरकार तो करे, गरीबों की सेवा बहुत कर रहे हैं। तो हमारी सेवा करें तो जाने, आप गरीब हैं तो सेवा तो करी रही होगी सरकार। कुछ भी नहीं है हमारे कने तो सरकार की तरफ से। दीपों का त्यौहार है दिवाली, और दिवाली में दीपों का क्या हाल है? दीपों की दुकान पे पहुँचे हैं, दिए जो हैं बाजारों में सज चुके हैं। क्या भैया क्या नाम है? विक्की भाऊ। जैसा कि पहले लोग 200 दीवे लिया करते थे, आज 50 दीवे लेते हैं। तेल भी ज़्यादा महंगा हो गया है, 200 रुपये किलो तेल हो गया है लगभग। दीवे भी कम लेते हैं लोग, और दीवे भी 60 रुपये के 100 बिकते हैं। झालर के झालर आसान पड़ता है, चाइनीज झालर सस्ते पड़ जाते हैं क्या? चाइनीज झालर जो सस्ती पड़ती है वो 20-30 रुपए की मिल जाती है, इसी वजह से दीवे कम जलाते हैं लोग। दीवे कम जलाते हैं जी। इतने सस्ते दीवे को लोग क्या कह रहे हैं, महंगा है क्या क्या है? हाँ बोलते हैं महंगा है, 40 रुपए के 100 दीजिए ये बोलते हैं। तो माचिस से भी सस्ती दिए जी, झालर से भी सस्ते पड़ते हैं ये दीवे। फिर भी लोग लेने नहीं चाहते, झालर ज़्यादा यूज़ करते हैं। झालर यूज़ कर रहे हैं जी, और यही झालर बाद में विरोध कर देते हैं कि हम चाइनीज मांग कर रहे हैं। बाद में लोग विरोध करते हैं कि चाइनीज थे, चाइनीज आइटम है, इसका विरोध कीजिए। शहरों में देखा, पूरे शहर में क्या कहीं भी देखो, लोगों के घर सजे हैं लेकिन दिए कम नज़र आते हैं, क्योंकि दियों के त्यौहार है और दिए ही नहीं दिखते जी। ये दीपों का तो है, दीपक जलाना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी झालर का यूज़ करते हैं, फिर बाद में चाइनीज बहिष्कार करते हैं। पढ़ाई करते हो जी? कौन सा क्या पढ़ाई? मैंने बीए कर ला है। बीए क्या जी? रामपुर जी, रॉयल खान यूनिवर्सिटी से जी। जो वो है नौकरी वोकरी की तैयारी कर रहे हो कि नहीं? जी कर रहे हैं नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं यूपी में नौकरी तो कहाँ आई है, आती है मगर पता नहीं चलती है, स्थगित हो जाती है। सरकार कह रही है 4.5 लाख नौकरियां दी हमने युवाओं को, हमसे ज़्यादा नौकरी कहीं मिली नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नौकरी निकलती है मगर स्थगित हो जाती है, और नौकरी मिल भी नहीं पा रही है। काफ़ी टाइम हो गया नौकरी की तैयारी करते हुए हमें भी। कितने साल से तैयारी करते? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। 4 साल में एक भी वैकेंसी आई नहीं है क्या? आई थी, मैंने फॉर्म भरे थे मगर नंबर नहीं आ पाया। वही फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं होते हैं जी, स्थगित हो जाती है। ज़्यादा दिक्कत इस सरकार में है, इस बार नौकरी की दिक्कत है। यहाँ नौकरी तो मिल ही नहीं पा रही है। आप बताओगे सही? जैसे जो जलाता है उसी हिसाब से करता है, लेकिन बहुत से जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसी को, दीवे वगैरह को, जो अपने इसको मानते हैं धर्म वगैरह को, और वैसे जो हैगा उस जलाने के लिए तो सब कुछ जलाया जाता है, मोमबत्ती भी जलाई जाती है, लेकिन पूजन इसी का माना जाता है। पहले था कि घरों पर लोग दिए जलाते थे बहुत सारे, झालर, अब झालर हावी हो गया है क्या? ना झालर तो हावी हो ही गया, अब लोग ज़्यादा कर ही रहेंगे। हाँ थोड़े दिन में कम जल रहे हैं। हाँ वैसे महंगाई के जमाने में कम जल रहा है, और मजा भी है इसमें। जितना महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से 1 रुपये का एक दिया काफ़ी है क्या? माचिस भी महंगी है, 2 रुपये की माचिस हो गई। 2 रुपये की माचिस मद्दा है, 1 रुपये कह रहे हैं। 1 रुपये दीवा फिर भी मद्दा मिल गया, 60 रुपये का 100। माचिस भी 2 रुपये की हो गई। हाँ दीवा फिर भी कम मिल गया, 60 रुपये का 100 मिल रहे हैं। 60 रुपये 100 है। हाँ 60 रुपये का 100 है जी, बिल्कुल रेट अलग है, कहीं 60 रुपये का 100 है। और भी लोग हैं, दिए वाली अम्मा से बात करते हैं कि कितनी बिक्री हो रही है। नहीं दिए कहाँ बिक रहे हैं? नहीं बिक रहे। क्यों, क्या हो जाए? नहीं बिक रहे हैं, महंगे हैं। महंगे हैं? हाँ। कितने महंगे हो गए? हम 15 का 25 बेच रहे हैं, कह रहे हैं 10 का 25 दो। अच्छा हाँ 15 का 25 भी महंगे हैं। हाँ देख लो तुम, हमने तो गाँव से मंगाए। अच्छा 2 रुपये के तो माचिस हो गई, उससे सस्ती है ये तो, देख लो तुम क्या करा जाए बताओ। ये 5 का 1 झालर ज्यादा लगा रहे हैं लोग आजकल घरों में। हाँ देख लो कैसे खर्चा चल रहा है, इतनी महंगाई है, क्या करा बताओ। छोटे बच्चे क्या करा, 10 के 25 मांग रही हैं, हम मना कर रहे हैं, मोल का माल है हमारा। अच्छा क्या करा जाए बताओ, महंगाई में असर पड़ रहा है। महंगाई का असर है? हाँ महंगाई का असर है। गैस सिलेंडर, गैस सब महंगा है कि नहीं है? सब गैस सिलेंडर 1000 का आ रहा, 950 का। तेल सरसों का तेल वही 200 का, 220 का असर है महंगाई। हाँ महंगाई बहुत है। बिक्री है नहीं? बिक्री नहीं है। देखो आप सुन सकते हैं कि दिया जो है दीपावली का त्यौहार है, और दिया जो है कह रहे हैं कि 10 के 25 है, कहीं 100 के 100 है, कहीं 60 के 100 है इनके जी। हम बेसहारे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है।
ये इसमें 2000 रुपये मिल जाते हैं, कोई भी सहारा नहीं है, विकलांग बच्चा हमारा, और बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है हमारे ऊपर, कोई कमाने वाला नहीं है। और क्या दिक्कत है? बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, पिल्सने नहीं मिल रहे जल्दी, पेंशन नहीं मिल रही आप? जल्दी नहीं मिल रही, तीन तीन चार चार महीनों के बाद मिलती हैं 1500 रुपये, कोई कमाने वाला नहीं है, विकलांग बच्चा हम बेसहारे हैं, बिजली का बिल हमें बहुत भेज रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ, गरीब आदमी है, इसमें करके खिलाती हूँ बच्चों को, मांग मांग के खिलाती हूँ। महंगाई का असर काफ़ी है? महंगाई का असर काफ़ी है बहुत। की दुकान पर जाते जाते हमें मोमबत्ती की दुकान भी दिखी, जी जी क्या नाम है? मेरा नाम विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी, क्या दिए, कैसे बिक्री है? सही है बिक्री, त्यौहार की बिक्री है, सही है, अभी तो 2 दिन बाकी है त्यौहार में भी। है बिक्री, हाँ, मंगल बुध अभी है ना, आज मंगल है, कल बुध बृहस्पति आएगा, अभी तो 2 दिन बाकी है, अभी आज मंगल है। दिए में क्या के लोग दिए कम खरीद रहे हैं आजकल, क्या हुआ? दिए भी खरीद रहे हैं, तेल महंगा है इसलिए मोमबत्ती भी महंगी है। अच्छा, हाँ, तेल भी खरीद रहे हैं, दिए भी जलाएंगे, मोमबत्ती भी जलाएंगे। झालर तो नहीं, झालर ज़्यादा जला रहे हैं? नहीं, झालर भी जलाएंगे, झालर तो खुशी है भगवान के, उसमें झालर जलाओ जो भी जलाओ। हाँ, ये 1 15 रुपये का जोड़ा है, 25 रुपये का, सब चीज़ जलाएंगे, बताइए, तो भगवान की खुशी है ना, जो दिल चाहे जलाओ। ऐसा लगता नहीं कि आजकल लोग जो है दीपों के त्यौहार पे, ये इसमें 6 होती हैं, ये 10 रुपये का है, 15 रुपये का जोड़ा है, छोटी होती है, इसमें बड़ी है, ये बड़ी है। अच्छा, ये बड़ी है? हाँ, ये रंगीन है, ये भी 25 का जोड़ा है, वो भी 25 का जोड़ा है जी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि असर जो है झालरों का ज़्यादा है? देखिए, हर चीज़ मार्केट है, इसमें हर चीज़ बिकती है, जो जिसका दिल चाहे जला, खास चीज़ जो है दिया जलाने का। असर पड़ रहा है कुछ नहीं, महंगाई तो कुछ नहीं, महंगाई तो इस काम तो करने पड़ेंगे ना, महंगाई उंगाई कुछ नहीं, महंगाई तो सब चले, कुछ महंगाई नहीं। क्या लोग के सिलेंडर 200 1000 रुपये हो गया, 200 रुपये किलो तेल हो गया, वो तो सही है, किचन के जो सामान है वो महंगा हुआ है, वो गलत है मेरी नज़र में। गैस का सिलेंडर पे पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, पेट्रोल भी दम लगातार, डीजल है, पेट्रोल डीजल पे ही पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़ रहे हैं, तेल पे खाने के तेल पे पैसे बढ़े, ये नहीं बढ़ने चाहिए, ये गृहिणी का सामान है, ये गृहिणी से बढ़ गए, हाँ, सिलेंडर बढ़े, कितना उधर महंगाई है, आमदनी है आपकी? हाँ, बस ये है, 5 रुपये पैकेट, 2 रुपये पैकेट पे बात होती है, बस हो जाती है, हाँ, हो जाती है, बस खाली से बेकार कर रहे हैं अपने, क्या करें, खाली है तो मोमबत्ती लगा के बैठ गए, खाली तो मोमबत्ती लगा के बैठ गए, बस ये है। बिल्कुल, ये दुकान पीछे है, ये भी ऐसी आपके? नहीं, वो अभी चली गई। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ भी करूंगा। बिल्कुल, साफ तौर पे जो है, आज हम बाजार में आए हैं, दिवाली का टाइम है, दियो का त्यौहार, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दियो का त्यौहार है, और दियो की ही बिक्री जो है काफ़ी कम है, जैसे कि अम्मा ने कहा कि चाइनीज़ सामान का जो है बोलबाला है बाज़ार में, और लोग कहते हैं कि चाइनीज़ सामान जिस तरीके से विरोध करते हैं, चाइनीज़ सामान हम नहीं खरीद रहे हैं, चाइनीज़ सामान विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है झालर सबसे पहले लग जाता है, वही चाइना का, और आज भी मार्केट में जो है चाइना का बोलबाला है। सवाल ये उठता है कि महंगाई इतनी है, लोग दिए क्यों नहीं करते, अपील करते हैं कि लोगों से कि कम से कम दे रहा तब भी कह रहा 10 रुपये के 25 दो। बिल्कुल, 10 रुपये के कह रहे हैं कि 25 है मांग रहे हैं लोग, इसमें मोल तोल कर रहे हैं, और लोगों से अपील करता हूँ कि क्यों ना लोग आए, जब ये दिवाली जो है इन गरीबों के लिए भी मनाएं। तौर पर जो जैसे आपने सुना, इनकी दिल की हालत सुनी, और इसके शायद जिस तरीके से आप 100 200 रुपये आप वैसे ही जो है खर्च कर देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो मैं अपील करता हूँ कि इस दिवाली जो है ये दिए खरीदें, और दियों को जलाएँ, झालर को कम जलाएं, दिए को ज़्यादा जलाएं, क्योंकि दिए से जब जलेगा तो इनके घर में भी रोशनी आएगी, और इनके भी जो है दिवाली अच्छी होगी। तो अपील करते हैं आपसे कि आएं अपने अपने शहर में, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आएं, जहाँ भी अपने शहर में जा रहे हैं तो कम से कम कुछ दिए तो खरीदें, ताकि गरीबों के घर में भी दिवाली मने, और इनके भी दिए अच्छे जलेगी। दीपों का त्यौहार दिवाली हम विश करते हैं सबको कि हैप्पी दिवाली हो, आप सबका दिवाली अच्छा रहे, और आपके साथ साथ इन लोगों का भी दिवाली अच्छी हो।